गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, समर वेकेशन के बाद आज आपकी फर्स्ट क्लास है। समर वेकेशन के पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? समर वेकेशन के पहले मैंने आपको आ की मात्रा सिखाई थी। आ की मात्रा कैसी होती है? आ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा होती है। आज मैं आपको ई की मात्रा सिखाऊंगी। तो ये बच्चों, ये कौन सी मात्रा है? ये है ई की मात्रा। और ई की मात्रा बच्चों कहाँ लगती है? ई की मात्रा अक्षर के पहले लगती है। और जब भी हम किसी अक्षर में ई की मात्रा लगाते हैं तो हम छोटी आवाज निकालते हैं। जैसे आप कभी भी जब लाइन बनाते हो तो बच्चों छोटे बच्चे आगे लगते हैं लाइन में और बड़े बच्चे पीछे, उसी तरह ये छोटी ई है तो इसलिए इसकी मात्रा अक्षर के पहले आती है। तो चलो मेरे साथ कुछ शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाने पे कैसी आवाज आती है ये हम आज पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों कुछ शब्द कुछ अक्षर लिखे हैं और उनमें छोटी ई की मात्रा लगाई है, तो हम इनको पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बोलो, क, क में ई की मात्रा की, ख, ख में ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? खी। ग, ग में ई की मात्रा लगी तो क्या बना बच्चों? गी। घ, घ में ई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? घी। एक बार फिर बोलो मेरे साथ, की, खी, गी, घी। अक्षर और मात्रा जोड़कर लिखो। बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हैं और मात्रा लिखी है, आपको उनको जोड़कर शब्द बनाना है। तो मेरे साथ बोलो, स, स में ई की मात्रा सी, र, सिर। द, द में ई की मात्रा दी, न, दिन। प, प में ई की मात्रा लगी पी, न, पिन। ह, ह में ई की मात्रा ही, र, न, हिरन। क, क में ई की मात्रा की, र, न, किरण। तो बच्चों एक बार मेरे साथ ये शब्द फिर से पढ़ो। चलो बोलो, सिर, दिन, पिन, हिरन, किरण। बच्चों मैंने आपको होमवर्क में इस तरह से अक्षर और मात्रा लिख के दी है, आपको उन्हें जोड़कर शब्द बनाना है। तो बच्चों आपको छोटी की मात्रा समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक बार फिर से देखो, छोटी की मात्रा इस तरह होती है और वो अक्षर के पहले लगती है और उसकी आवाज भी हम छोटी निकालते हैं। थैंक यू।